नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद देश में रोजगार को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में युवा नौकरी की तलाश में हर जगह जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने नौकरी के नाम पर काफी फ्रॉड भी किया है। कई युवाओं को नौकरी मिली भी तो वहीं कईयों के साथ धोखा भी हुआ। वहीं इन दिनों दूर संचार विभाग के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि विभाग डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर रहा है। इसके तहत नौकरी के इच्छुक लोग इसको भर दें और साथ में 14,500 रुपये सिक्योरिटी राशि के तौर पर जमा कर दें। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानना भी जरूरी हो गया। सवाल यह है कि क्या सच में दूरसंचार विभाग डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नौकरियां दे रहा है? जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये खबर फर्जी है। दूरसंचार विभाग की ओर से साफ किया गया है कि उनकी ओर से ना तो कोई लेटर जारी किया गया है और ना ही उन्होंने कोई सिक्योरिटी मनी मांगी है। इस तरह का जो लेटर जारी किया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी की फैक्ट चेक साइट ने बताया है कि डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा कथित रूप से जारी एक नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए 14,500 रुपये की सिक्योरिटी का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है। हमने पाया है कि ये पत्र फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। दूरसंचार विभाग को लेकर कई बार इस तरह से नौकरियों के झूठे लेटर और मैसेज सामने आते रहते हैं। ऐसे में इस तरह का कोई मैसेज मिले तो उस पर विश्वास करने से पहले एक बार उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।